विख्यात रेसलर द ग्रेट खली आज करनाल पहुंचे। द ग्रेट खली ने लघु सचिवालय में पहुंचकर प्रशासनिक काम से अधिकारियों से मुलाकात की। वापस जाते वक्त द ग्रेट खली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह समानाबाहू में विश्व की सबसे बढ़िया रेसलिंग एकेडमी बनाने जा रहे हैं, जिसमें विशेषकर रेसलिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी व अन्य प्रकार की रेसलिंग की विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विश्व विख्यात खिलाड़ी होने के नाते उनका फर्ज बनता था कि खिलाड़ियों के लिए एक विश्व स्तरीय एकेडमी स्थापित की जाए, जिसमें खिलाड़ी भाग लेकर विश्व स्तर पर अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके और अपना नाम कमा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा कोरोना महामारी को रोकने में सफल रहा है, इसी के कारण दूसरे राज्यों की बजाय हरियाणा में कोरोना के केस कम पाए गए हैं और रिकवरी भी मरीजों की ही हो रही है। उन्होंने इसके लिए हरियाणा निवासियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होना बताया। पत्रकारों द्वारा पूछे गए नशे के प्रति बढ़ते युवाओं में रुझान पर उन्होंने कहा कि जिस तरह की रेसलिंग एकेडमी व अन्य खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, उसे खिलाड़ियों के चरित्र का निर्माण होगा। खिलाड़ी खेल की तरफ अपना ध्यान रखेंगे, जिससे नशे को रोकने में भी कामयाबी मिलेगी, युवाओं को सही मार्गदर्शन मिलेगा। यहां हम आपको बता दें कि करनाल के नजदीक समानाबाहू में द ग्रेट खली एक विश्व स्तरीय रेसलिंग एकेडमी खोलने जा रहे हैं, जिसके चलते उनका करनाल के लघु सचिवालय में कई बार आना जाना होता है। उसी कड़ी में आज वह करनाल पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि कोरोना महामारी में जिला प्रशासन की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, मास्क लगाएं। देखिए एक रिपोर्ट। जब वो स्टार्ट करेंगे तो एक ना एक दिन खत्म भी होएगा। मतलब तो आज यहाँ करनाल में आना कैसे हुआ? ये देखो, ये तो मतलब यहाँ के हम निवासी हो गए हरियाणा के, तो प्रशासन के साथ आना जाना लगता रहेगा। मतलब तो क्या कहेंगे, अकेडमी में क्या क्या सुविधा होगी, कब से वहाँ पर? ऐसे जैसे एक तो जिसमें मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ रेसलिंग, और दूसरे फिर एमेच्योर रेसलिंग, फिर वॉलीबॉल और बॉक्सिंग और कबड्डी। ये मतलब मैं सोचता हूँ कि बेसिक चीजें है जो इजीली बनाई जाती है, इजीली मैं कर सकता हूँ, इस पर मैं ज्यादा ध्यान रखता हूँ। जैसे आप बोलते हैं मतलब बोलते हैं ना, हरियाणा में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है। मैं सोचता हूँ कि हरियाणा के लोग जो हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर एकेडमी होएगी, स्पोर्ट्स करेंगे, ऑलरेडी स्पोर्ट्स करते हैं यहाँ के लोग, इसीलिए यहाँ के जो हरियाणा के लोग हैं बॉडी कॉन्शियस ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर एक जो एक रिकवरी केस है मतलब एक वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो सारे हिंदुस्तान पे होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान पे होना चाहिए स्पोर्ट्स का एक बॉडी कॉन्शियस लोग हर व्यक्ति को रहना चाहिए। नशे को लेकर आपने कई बार अभियान चलाया, लेकिन हरियाणा पंजाब जो है इसे अभी भी बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी भी नशा जो है आम मिल जाता है, स्मैक है, ड्रग्स है, तो इसको लेकर कई बार एक बार युवाओं को इकट्ठा करके कोई अभियान चला सकते हैं आप? बिल्कुल, देखो अपना जो हमारा जो एक फर्ज बनता है दूसरे के सिर पे नहीं डालना चाहिए। मेरा फर्ज बनता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने मतलब यहाँ पर रेसलिंग की एक जगह ली है समानाभाव में, और वहाँ पर एक मैं एकेडमी बना रहा हूँ, और बहुत बड़ी एकेडमी बना रहा हूँ, वर्ल्ड में नंबर वन एकेडमी होगी। और इसीलिए बना रहा हूँ कि भी जो लोग नशे करते हैं और कोई लोग ड्रग्स करते हैं, मतलब उल्टे रास्ते पकड़ते हैं, ताकि वो रास्ता छोड़ के स्पोर्ट्स पे लगे। ये मेरा फर्ज बनता था, और इसलिए मेरे को जिस लायक था मैं वो चीज़ में कर रहा हूँ। मैं किसी पे थोप लगाना नहीं चाहता कि उसने गलत किया कि उसने गलत किया, मैं ये नहीं बताना। करनाल प्रशासन से, लेकिन जो मतलब अपना फर्ज बनता है हिंदुस्तान के नाते वो मैं कर रहा हूँ। करनाल प्रशासन से मुलाकात की, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन का तो बहुत सपोर्ट रही, हमेशा मुझे सपोर्ट रही, मतलब हमेशा एक सपोर्ट रही मतलब उनकी, हमेशा एक सपोर्ट रही उनकी, क्योंकि भी मतलब जहाँ जहाँ हमारे को जरूरत रही, तो ऊपर से लेकर जो सरकार प्रशासन सबने सपोर्ट करी है। मैं इस पर ये नहीं बोलूँगा कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं बहुत एक स्पेशली स्पोर्ट्समैन के बहुत ही एक क्या बोलते हैं एक लवर है यहाँ के लोग,
हरियाणा के, तो पूरी सपोर्ट करते हैं हरियाणा के लोग, चाहे प्रशासन है चाहे पॉलिटिक्स लोग। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.